पहले वेरी कभी नाइस. हमारे इंटरव्यूज आते थे या आज से 10, 12, 15 साल पहले, 24 साल पहले. नहीं 24 अच्छा भी, चलो 24 भी. वाकई जब इंटरव्यू आता था उसकी एक अहमियत होती थी. यस, एक रिव्यू आता था उसकी एक अहमियत होती थी. अच्छा अब ये है कि आप जितने चाहो मैं अपने बारे में रिव्यू लिखवा लूं, जितने चाहो मैं अपने बारे में इंटरव्यू करवा लूं, तस्वीरें छपवा लूं, मसला सब कुछ आपके हाथ में है. हाँ, so anybody can be anywhere, कहीं भी लगवा दिया, यानी वो डिफरेंस खत्म हो गया कि एक तकलीफ नहीं है. मतलब मुझे नहीं, इसको कोई नहीं, तकलीफ नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उसकी जो वैल्यू है वो मजा वो खत्म हो गया. सो डू यू थिंक कि अब सोशल मीडिया पे पैसे इन्वेस्ट करना जरूरी हो गया, नए लोगों के लिए भी, पुराने लोगों के लिए भी? उससे एक रेस में लग गए सब लोग कि वी हैव टू इन्वेस्ट मनी फॉर द रिव्यूज, फॉर द लाइकिंग्स. यार अब तरीका यही है, अब आप क्या करेंगे? आप यू कैन नॉट ये करना पड़ेगा, रन अवे फ्रॉम इट. सो आई थिंक मे बी दिस इज नॉट द ओनली वे, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज. तो बात ये, हम लोग वो लोग हैं जो वक्त के साथ साथ चलने वाले लोग हैं, तो अगर ऐसा चल रहा है तो ऐसे ही सही. हाँ बिल्कुल. तो किसको पैसे चाहिए, हम लगवाते हैं रिव्यू. हाँ आप बताएं. वाह यार क्या बात है, ये तो बड़ी जबरदस्त. वैसे इसको पता ही नहीं है, नहीं, तो एक्सप्रेशन दे रहा है. रोने से बेहतर है कि आप... इसको पता ही नहीं है. वाह मुझे क्या पता यार, मैं पहली हमारी तो कोई चीज पेड होती नहीं कभी यार. हाँ नहीं नहीं तुम ये बता सकते हो कि मुझे ये सब पता है. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं भाई, आप सही कह रहे हैं हुमायूं, आप ठीक कह रहे हैं. आप ऐसे बोल सकते हो, तो बोल क्यों नहीं रहे? नहीं मुझे पता ही नहीं है. ऐसे बोल रहे जैसे तुम एक पता नहीं एलियन हो, तुम पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हो, मार्स से आए, इस तरह क्यों जवाब दे रहे हो? नहीं क्योंकि मुझे मालूम यार, मैं होस्ट कर रहा हूं. एक मिनट, नहीं जवाब, एक सेकंड ना बनाओ, जवाब आप लोगों को दे रहे, मुझे नहीं दे रहे जवाब यार. जवाब हमारे साथ होस्ट ना बनाओ. इधर उधर क्या देख रहे हो? इधर क्या देख रहे हो? मैं कैमरे को ढूंढ के देख रहा हूं. कैमरे को देख रहा है. अच्छा जो इतने प्लेयर्स अभी आजकल आ रहे हैं जी, और काफी उनका एक वो ऑब्वियसली आई हैव सीन जलन बाय द वे, अ वेरी गुड प्ले. I've seen नंद. हैव यू? या दैट्स ऑल्सो गुड प्ले. इट्स अ गुड प्ले. यस इट इज. क्यों, व्हाई नॉट? इट्स अ गुड प्ले, इट्स वर्किंग. सो what do you, before producing a play, कोई content और decide करता है कि मेरी production में ये content हो, या खुद ही, या random? देखो, it's not one person. हाँ, it's a bit of everyone. तो आप ये नहीं कह सकते कि there are a lot of projects that I don't like, but I produce them because मैं और channel और हमारी सारी teams मिलके उस पे agree करते हैं. सही. ऐसे तुम्हारे शो में 10 segment तुम्हें अच्छे लगते होंगे, एक कोई तुम्हें नहीं भी अच्छा लगता होगा, but आप करेंगे. but वो अलग है, because चार लोग और आपको कह रहे हैं कि यार ये अच्छा लगेगा. तो ऐसे ही होता है. अगर अब ये नहीं हो सकता कि यार सिर्फ जो मुझे अच्छा लगे, या हर प्रोजेक्ट में मैं मैसेज ही दे रहा हूँ, या हर प्रोजेक्ट में मैं एंटरटेनमेंट कर रहा हूँ. इट कैन गो आइदर वेज. इनके ड्रामा कभी एंटरटेनिंग होगा, कभी मैसेज बेस्ड होगा, कभी किसी और तरह का. ये नहीं हो सकता कि इट विल बी बोरिंग. 10 plays बनाने हैं साल के. हाँ, 10 से भी ज्यादा शायद. 10 में ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सब कुछ वो बनाऊं जो मेरी पसंद हो, या सब कुछ वो बनाऊं जो तुम्हारी पसंद हो, या तुम्हारी पसंद. एग्जैक्टली. तो आप पब्लिक का भी तो जहन में रखते हैं ना कि लोगों को क्या पसंद है. ये भी तो होता है ना कि पब्लिक का तो ज्यादातर रखते हैं. पब्लिक को ये पसंद आती हैं चीजें. ये मैं आपको फैक्चुअल बात बता रहा हूँ. मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं आपको ये बताऊंगा, मैं परसों एक फिल्म देख रहा था, 1958 की फिल्म थी, देवानंद की फिल्म थी, वो पेइंग गेस्ट उसका नाम था. अब मैंने ऐसी लगाई, उसके गाने बड़े मशहूर है, बहुत अच्छे अच्छे गाने उसके. तो मैंने वो, जिसका भी फोन है बंद कर दो, तो मैंने वो उसके गाने, उसकी एग्जैक्ट स्टोरी, उसकी भी जलन की स्टोरी थी. अब ये 58 में भी बिकॉज़ देखे कहानियां मोरलेस चंद है जो रिपीट हैं. हाउ यू प्रेजेंट देम, उस जमाने में डिबेट हुई होगी, आई डोंट नो, नहीं हुई होगी, आज भी वही और उसी तरह का हो रहा. तो आई डोंट थिंक कि अब क्योंकि हर किसी को एवेन्यूज मिल गए हैं अपनी बात को कहने के, तो जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, यू नो, एवरीबॉडी जस्ट से समथिंग. सही. आपको प्ले, मतलब प्ले भी हिट, फिल्म भी हिट, माशाल्लाह, व्हिच यू आर अ ग्रेट स्टार एंड व्हाटएवर यू डू इज वंडरफुल एंड वी ऑल फॉलो इट एंड वी लव इट. प्ले की बनाने से पहले या फिल्म बनाने से पहले कुछ जहन में होता है कि यार ये स्टोरी जो है ये वाली लोगों को पसंद आएगी? ऐसा होता है. यू गो थ्रू द स्क्रिप्ट, या आपकी भी टीम है पूरी जो? नहीं नहीं, टीम तो हर जगह है, वहां भी टीम है, हमारे यहाँ भी टीम है, और जितने हमारी टैग टीम बनते हैं. देखिए, साल के 2-3 ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपकी पसंद के होते हैं, या यू नो, मेरे साथ अगर नदीम है और सनम है, इरफान मलिक है, ये लोग हमारी टीम है, इनकी अलग टीम है. तो हम इवन जे जे या अली इमरान जो हमारे साथ काम कर रहे होते हैं, हम उनको भी बताते हैं कि भाई मुझे लगता है कि इसके अंदर इतना पोटेंशियल है, ये करो. तो कभी वो बोलता है नहीं नहीं तुम गलत कह रहे हो, कभी मैं बोलता हूँ नहीं नहीं मैं सही कह रहा हूँ, यही बनेगा, ऐसा भी होता है. और कभी वो कहते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वैसा बनाओ, वैसा भी कर लेते हैं. ऐसा ही है. तो ये दोनों चीज़ें चलती हैं, कभी वो सही साबित होते हैं, कभी हम सही साबित होते हैं. ज़्यादातर हम होते हैं,
ज्यादातर हाँ हिट पे हिट है यार. इमेज कॉन्शियस ऑफ ऑल इमेज इमेज बिल्डिंग के लिए कुछ नॉट रियली नहीं बिल्कुल नहीं कुछ नहीं किया इसीलिए मैंने फिर मुझे शुरू शुरू में जब ब्रांड्स करता था ना तो बड़ा लोगों ने कॉन्शियस किया था कुछ डायरेक्टर्स ने कि यार ये ब्रांड करोगे तो फिर ये कैसे करोगे. सो आई डिड एवरीथिंग एवरी ब्रांड व्हाटएवर केम योर वे एवरी ब्रांड बिकॉज़ आई थिंक इट्स एन ऑनर कि आपको कोई ब्रांड अपने साथ एसोसिएट करता है इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बात है. अगर मैं उसमें से भी चूज करना शुरू हो जाऊं नॉट दैट कि मैं खुदा ना खास्ता कोई बिल्कुल ही बिलो द बेल्ट किस्म की चीजें करने चला जाऊं. बिलो द बेल्ट तो कुछ है ही नहीं वैसे मतलब नहीं। जैसे कि आप यू नो व्हाट आई मीन मतीरा वाले चीजों के बारे में ये मैंने कुछ नहीं बोला नहीं वो भी नहीं, अच्छे तो से हो सकते क्या है वो भी अच्छे से हो सकते हैं अगर आप तरीके से उनको करें तो व्हाई नॉट. नहीं उसका क्या तरीका होगा यार सोचते हैं ब्रेक में सोचते हैं हम बिल कम अप विद समथिंग या आई नो प्रोड्यूस कर सकते हो खुद. हां प्रोडक्शन हां खुद प्रोडक्शन क्यों नहीं वो प्रोडक्शन रोकने के ही तो हैं सारे आप क्या बात कर रहे हैं.